गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी 5:30 हो रहे हैं एंड ये मैस आप देख सकते हो पीछे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में चलती है, शिफ्टिंग, पार्किंग, एवरीथिंग। एंड अभी 5:30 हो रहे हैं एंड 6:30 तक मुझे नहा के मंदिर पहुंचने भाई के साथ। तो फिर फटाफट से मैं नहाने जा रही हूँ, ब्रश वगैरह करने। एंड आज के प्लान्स क्या हैं वो देखेंगे पूरे व्लॉग में। एंड स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये व्लॉग नंबर आई गेस 4 है, अगर दोनों मिनी व्लॉग को कंसिडर करें तो। सो बहुत सारी चीज़ें आज करने को, पैकिंग वैकिंग सब करनी है। सो फटाफट से सारे काम निपटाते हैं अब। सो मंदिर जाने के लिए तैयार। वो लिफ्ट में जाके मेरे को फिर से वेट करना पड़ेगा। एक तो हमारे लिफ्ट में एक पंखा डायरेक्ट चलता है, ये बंद ही नहीं होता, ठंड हो रही है। मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ एंड सी आप नहाए हो? दो दिन पहले कौन आया? क्या दो दिन पहले कौन आया था? चलो लेट्स गो टू मंदिर विथ सामग्री। वीडियो शूट डन, पोस्ट भी कर दी एडिट करके। एंड अब मैं बना रही थी अपने सेशन के थोड़े से नोट्स, जो कि मेरा सेशन है 10:30। सो एक वीडियो भी अपलोड हो गई एंड मैं जा रही हूँ आज रात को वही क्षेत्र जो मैं आऊँगी 18 की इवनिंग तक। सो मेरे को दो वीडियोस अपने स्केड्यूल करके भी रखना है, जिससे बाद में काम डिले ना हो। सो अभी फटाफट सेशन के लिए भी मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, कुछ सैम्पल्स मेरे को देखने हैं, क्योंकि 9:14 हो गए हैं एंड मेरा 10:30 सेशन है। इफ़ ये काम जल्दी हो जाता है 9:30 तक, तो मैं एक और वीडियो शूट कर लूँगी एंड उसके बाद मेरे को सेशन के बाद पैकिंग करनी है, खाना भी बनाना है एंड एक प्लान भी बन गया है हमारा, मूवी प्लान 12th फेल का। सो लेट्स सी हम कितने बजे जाते हैं, क्योंकि टिकट्स हम प्रायर बुक नहीं कर रहे हैं, वहीं पे जाके टिकट्स लेंगे। सो फटाफट लेट्स गो वर्क दिस माई डेस्क। ये सारा मैस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारा सामान अब डायरेक्ट शिफ्टिंग के लिए जाने वाला है, कट्टों में, कार्टून्स के अंदर। सो अब फालतू में इसको सजा के कोई फ़ायदा नहीं था, सारा सामान जो कि जाना ही है शिफ्टिंग के लिए। सो इसलिए सारा पूरा घर ही मैसी हो रखा है, इसमें पूरा घर मैसी हो रखा है मेरा। पूरा बेड की तो हालत ही ख़राब हो रखी है, ये मैं थोड़ा साफ़ कर दी, क्योंकि एंट्री करते ही बिल्कुल ये एरिया दिखता है। मेरा पूरा बुक्स का सेटअप एकदम बिगड़ चुका है। सो मैंने एक छोटा सा एरिया अपना साफ़ कर लिया कि यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ। आई एम डन। चलो बाकी का काम करते हैं, नोट्स कंप्लीट करते हैं, सैम्पल्स देखते हैं एंड फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को। हेलो। हाँ गाइस, मैं भी रेडी हूँ अपने हेलमेट के साथ एंड अब निकल रहे हैं फटाफट से पहले। पीछे और दो हैं बट वो आने नहीं चाह रही। हेलो हेलो। वी आर ऑन टाइम, 3:30 का शो है एंड हम 3 बजे पहुँच चुके हैं। वी आर एग्जैक्टली ऑन टाइम एक्चुअली। यस बट मॉर पहुंच गया हमारा 3:30 का शो है एंड हम ऑन टाइम है। 3:15 हो रहे, 15 मिनट्स है पर हम वॉशरूम ऑन टाइम। किसकी वजह से? मेरी वजह से, सिर्फ हम ऑन टाइम है। सबको चिल्ला चिल्ला के मैं ऑन टाइम लेकर आई हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको वॉशरूम नहीं मिल रहा है, पर मेरा बहुत मन कर रहा है ये फंकी आइलैंड में जाने का। छोड़ो मूवी यहीं चलते हैं। 2 मिनट पहले बोलती अभी पेमेंट करी है। अब तो हो गए ना पेमेंट, तो मूवी छोड़ यहीं चलते। अब तो हो गई पेमेंट, क्या कर सकते, देखनी पड़ेगी। होगी नहीं यार, बहुत सीधी। कितने बुरे हैं यार ये दोनों। ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त और ये दोनों टीम अप हो चुके हैं। सिर्फ ये एक लॉन्ग टर्म की बची है। Bobby, I
आलिया भट्ट से इंस्पायर्ड मेकअप है. ओके डब्ल्यू में हम ब्लश कर रहे हैं. तुमसे तो फिर थोड़ा और करना है. मैं यहाँ पे भी काफ़ी उससे मैच होता है. मतलब मेरे ये देखिए यहाँ दो और क्या तक से दो प्यारी लग रही है. सो गाइस फाइनल टच अप डन एंड पीछे देखो. या सो वी आर गुड टू गो फॉर द मूवी. यार बहुत सिमिलर नहीं है ये थॉर जैसे. आवाज भी प्रजातियों के अरबों लोग इसे अपना घर कहते हैं. लेते भैया क्या इस मूवी डन. मूवी बहुत सही थी. मजा आ गया देख के है ना. मस्त एकदम मस्त ना भी अच्छी. अब हम प्लान कर रहे हैं कि खाए कहाँ क्योंकि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. बहुत बुरे वाले. हाँ हमने मूवी के फिल्म डार्क फैंटेसी भी खाई. कंटेन गया चले कंटेन चले मिठाई की क्या है फोटो खिंचवाने के लिए चल सकते हैं. अक्षत स्पॉन्सर कर रहा है हमको. बिल बिल अक्षत पे करने वाला है. सो हम कहीं भी जा सकते हैं. चलो अभी तो नॉर्मल ही चलते हैं. कैसी लगी मूवी है ना. ये फ्लैश क्यों खुला हुआ है. हे गाइस पार्टनर्स चेंज. अब मैं जा रही हूँ अपनी धन्नों पे. मुझे पता था ये रिएक्शन आएगा. मुझे पता था. इतने डरावनी तरीके से क्या देख रहे हो. ये लोग मेरे को सबसे मुश्किल काम देके गए हैं टू ऑर्डर. एंड दोनों वॉशरूम भाग गए हैं. अनुष्का को तो हमने घर छोड़ दिया क्योंकि लेट हो रहा था. एंड यहाँ पे मेरे को ब्लॉक करने में थोड़ी शर्म आ रही है. मैं बाद में शूट करती हूँ. ओके बाय. अरे यार पक गई मैं ये सुन सुन के. कुछ भी खा लूँगी. एट लास्ट वी ऑर्डर्ड पनीर बेक्ड पास्ता बट उससे हमारा कुछ भी नहीं हुआ. सुन चले गए चाप खाने के लिए. आप चला लोगे ना इसलिए छोड़ दी. अगर नहीं चलाओगे तो छोड़ दूंगी. हाँ मेरा सेकंड फूड चाप आ गई. रुमाली रोटी इन मेकिंग है. बहुत टेस्टी लग रही है. पंजाबी चाप इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि वी थॉट ऑफ ट्राइंग अनदर चाप. सो हमने ऑर्डर करी अफगानी चाप. एंड फिर हम इतना ज़्यादा फुल हो गए ना कि बस ये हमारा प्रॉपर डिनर ही हो गया. हेलो गाइस बैक होम. इतना सारा खा पी के पचाने के लिए अब पियेंगे लाहौरी जीरा. एंड 9 बजे मुझको निकलना है क्षेत्र के लिए. मैं अकेले ही जा रही हूँ बस में. एंड ये आएंगे हमारे प्यारे प्यारे भ्राता जी कल बाइक से. शक्ल दिखाना जरा. शक्ल दिखाना. आप मेरे को लेके नहीं जा रहे ना बाइक से. सीधा मना कर दिया गाइस. ओह माय गॉड इट हर्ट्स. आज का दिन तो बहुत ज़्यादा होलसम हो गया. एंड आगे के 2-3 दिन भी होलसम रहने वाले. कॉज बाहर रहते टाइम का पता नहीं लगता. एंड चलो फिर आज वीडियो शूट नहीं हो पाई जो मेरे को एक्स्ट्रा करनी थी. बट मैंने स्केड्यूल कर दी है 18th के लिए वीडियो. आज 16th है. 16th को चलेगी. 17th को नहीं आएगी. 18th हाँ ठीक है ऑल्टरनेट डालते हैं वैसे वीडियो. सो 18th को आ जाएगी. बट फिर मुझको 18th को आते ही शूट करनी पड़ेगी क्योंकि फिर मेरे को 20 को डालनी होगी. हाँ बहुत काम है. जो भी है थोड़ा सा अच्छा लगेगा जाके तीर्थ स्थान पर. एंड ठीक है अब लाहौर जीरा पीते हैं. बच्ची पैकिंग करते हैं कि 9 बजे निकलना है. 9:15 है. वैसे तो मैं बैग पैक करके गई थी पूरा. बट थोड़ा बहुत सामान रखना है सक ब्लैंकेट्स वगैरह बस के लिए. सो वो चीज़ करते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं.
हेलो गाइस, सो ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कपड़े बदल लिए, चोटी लगा ली बोल रही हूँ, चोटी बांध ली एंड पूरा मैं सेट हूँ बस में जाने के लिए। मैं फोटो चूज करा रही हूँ स्टोरी पे डालने के लिए, ये वाली। हाँ, सोने स्टोरी फिर डालने के लिए, पता है मैंने पहले भैया ने पहले गंदी फोटो लगाई थी, मैंने कहा ये वाली मत डालो, बट वो स्टोरी ही ऐसा हो गया कि वो स्टोरी पता नहीं कैसे अपलोड हुई, सो फिर से स्टोरी पोस्ट करनी पड़ी, तो मेरी पसंद की फोटो जा रही है। सो कहते हैं बहनों की बात एक बार मान लेनी चाहिए, सो प्लीज वो भी डालूं नहीं छोटी करके डाल लो, ठीक है। सो गाइस, मैं तैयार हूँ, बस कॉल का वेट है, फिर हम निकलेंगे। उई उई उई, चलो गाइस, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड फिर से नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे आयक्षेत्र जाने का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा आयक्षेत्र का। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।